हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन वन मिनट कर लोगे। तो इसलिए ध्यान से देखना इस ट्रिक को और ध्यान से समझना इस ट्रिक को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला जो पार्ट है वो बहुत टफ है या इसमें ये पर्टिकुलर पैटर्न को याद रखना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक का पॉइंट सबसे पहले समझ लें कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है, कि डिफरेंट अरेंजमेंट होगा स्पेस में, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा लिगेंड का, तो वो स्टीरियो आइसोमर में काउंट होते हैं, राइट। तो हमारे पास जो सिलेबस में पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप पहले चेक कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, और अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, जिसके बारे में बॉन्डिंग में अच्छे से ट्रिक दे रखा हूँ। एक बार अगर आपको पता लग गया कि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें कभी भी gi पॉसिबल ही नहीं होगा, तो gi सोचना नहीं उसमें। ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है अगर चारों के चारों लिगेंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर स्क्वायर प्लेनर आ गया तो oi ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। gi पॉसिबल है, और कैसे होंगे तो उसका हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो gi पॉसिबल है और oi भी पॉसिबल है। कैसे होगा वो अभी मैं आपको ट्रिक दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है gi ज्योमेट्रिकल आइसोमर, oi ऑप्टिकल, si स्टीरियो आइसोमर, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों काउंट होते हैं, cn यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ट्रिक में जाने से पहले सम ऑफ द नोटेशन की बात करते हैं, जो एग्जाम में प्रॉब्लम में दिए भी जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। वेरी सिंपल, मोनोडेंटेड लिगेंड को हम स्मॉल लेटर ABCD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैसे ही बाइडेंटेड लेटर को कैपिटल लेटर से, और चूंकि इसमें दो डोनर आइटम होंगे तो इसलिए दो बार दिखाना है। अगर सेम डोनर है तो AABBCC ऐसा यूज कर सकते हो, और अगर डिफरेंट डोनर आइटम है तो ABBC CD XY इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करूँगे, जस्ट ये बताने के लिए कि डिफरेंट डोनर आइटम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे PTCl4, तो यहाँ पे PT सेंट्रल मेटल हो गया, तो M क्लोरीन एक मोनोडेंटल लिगेंड है, तो स्मॉल लेटर को भी यूज कर लो, और उसके नंबर 4 है तो A4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, MC4 ऐसा भी दिखा सकते हो, राइट। ओनली थिंग इज कि वो पता लगना चाहिए कि मोनोडेंटल लिगेंड है, स्मॉल लेटर से पता लग गया, और वो सेम टाइप के 4 हैं तो 4 आपने दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो PTM हो गया, राइट। क्लोरीन 2 है, अमोनिया 2 है, दो डिफरेंट टाइप के, तो दो लेटर यूज करो, A2, B2, C2, D2 ऐसा कुछ भी यूज कर सकते, राइट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, Cl है 1, अमोनिया है 2, नाइट्रो 1 है, ध्यान देना बेटा, ये 2 मत ले लेना, ये NO2 पूरा है, और Br2 है। तो कैसे, MA1 हो गया, राइट। B2 डिफरेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब डिफरेंट लिगेंड है, ये C मान लिया तो ये फिर D2 ऐसा, राइट। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीरियल ऑर्डर में, जस्ट समझाने के लिए। ये वैसे ही अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो M आ गया, PT, राइट। EN इथिलीन डायमीन बाइडेंटल लिगेंड है, और दोनों डोनर सेम है, तो इसलिए AA, और उसके नंबर है 2, तो 2। ऑक्सिलेट दोनों डोनर आइटम सेम, तो इसलिए BB, और AA फिर से यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए यूज कर लिया, राइट। तो डिफरेंट लिगेंड है इसलिए डिफरेंट लेटर यूज करना है। वैसे ये वाले में ध्यान से देखो तो PT के लिए M आ गया, राइट। कोई भी सेंट्रल मेटल हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा PT लिया तो PT होगा बेटा, ऐसा नहीं है, कोई भी सेंट्रल मेटल M, और यहाँ पे ग्लाइसिनेट, दो डिफरेंट डोनर आइटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसलिए AB हमें दिखाना पड़ेगा, और उसके नंबर 2 है तो 2। ये मोनोडेंटेट हो गया Cl, उसके नंबर है 2 तो 2। तो ये आपको पहले समझवाना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी, तो पहले क्लियर होना चाहिए। नाउ पॉइंट इज कि ऑप्टिकली इनएक्टिव वर्ड कहीं पे यूज करें, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में OIA भी लिख सकता हूँ, उसका मतलब होता है अकायरल, कायरल से पहले A लगा हुआ है, ध्यान देना, अकायरल, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव, उसको OS में रिप्रेजेंट करूँगा, उसका मतलब होता है कायरल, राइट। कायरल और कायरल का सेंस कैसा है, या कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा, उसके लिए जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डैट मीन्स कायरल होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, तो वेरी सिंपल, कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन से आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट करो, अगर दोनों पार्ट सेम आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है, तो वो
प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा। जैसे इस केस में अगर मैं ऐसे कट करूं तो इधर दो ए हैं और इसी का मिरर इमेज है, तो इसका मतलब ऐसे अगर मैं कट करूंगा तो POS इसमें प्रेजेंट है और POS है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, डैट मीन्स अकायरल हो जाएंगे। वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, मेटल के सेंटर बैठ करके 180 डिग्री पे जाना आपको, तो ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने बी आ रहा है, सी के सामने सी आ रहा है, राइट, तो इसमें COS प्रेजेंट है और COS प्रेजेंट है तो अगेन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, डैट इज अकायरल होगा। तो दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों ही एब्सेंट है, ध्यान दे दोनों ही एब्सेंट है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन वही चीज़ है कि सर क्या मैं बार बार इतना चेक करूं, नहीं, ये जस्ट बेटा एक कंसेप्ट बताने के लिए, रफ़ी सर का ट्रिक आ रहा है, उससे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल मिला, आप बता दोगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं, उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, सब आप ट्रिक से बता दोगे। पहले ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का प्रैक्टिकल क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। वेरी सिंपल कि आप एक ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को अलाउ करता है, तो इसलिए ये कहलाता है प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। अब अगर मैं इस लाइट को किसी सोल्यूशन से पास करूँ और अगर ये लाइट रोटेट हो जा रही है आइदर लेफ्ट या राइट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लाइट अगर रोटेट या डिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर इसमें जो भी कंपाउंड अपने डाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर लाइट वैसे ही चली गई कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। एक पॉइंट और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्योंकि दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा, तो अगर सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं इनानशोमर, और इनानशोमेरिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, वेरी सिंपल, कैसे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में है तो क्या करेगा, अगर ये राइट रोटेट करने की कोशिश किया तो ये वाले लेफ्ट करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये लाइट रोटेट होती हुई दिखेगी नहीं, इसलिए आपको लगेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट एक्चुअल में अगर दोनों को इंडिविजुअली अगर कर दो और उसके बाद लाइट पास करो तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो इसलिए इनानशियोमेरिक मिक्सचर जो होते हैं वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। डैट डजेंट मीन कि आपका कंपाउंड इनएक्टिव है, राइट, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल लेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो इस बात पर ध्यान देना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या टेट्राहेड्रल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, अगर मैं किसी को इंटरचेंज भी किया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो मैंने इसको यहाँ से हटा करके इसको यहाँ लगाया तो अभी भी दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, राइट, चूँकि सारे बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर, इसलिए इसमें इंटरचेंज करेंगे तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें GI पॉसिबल ही नहीं है। और OI पॉसिबल हो सकता है अगर आपका जो लिगेंड है चारों को चारों क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और दो ही पॉइंट है कि अगर sp3 टेट्राहेड्रल हो गया तो GI पॉसिबल नहीं है, OI पॉसिबल है जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो, दैट्स इट। DSP2 डेट मीन्स स्क्वायर प्लेनर होगा तो फिर GI तो पॉसिबल है लेकिन OI पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लेनर हो गया तो ऑलवेज उसको मैं स्लाइस कट कर सकता हूँ तो उसमें POS ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। GI शो कर सकता है और वेरी लिमिटेड है, वेरी सिंपल, MA2B2 अगर दो डिफरेंट लिगेंड दो दो बार हों तो उसके दो होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देखो AA के बीच ये डिस्टेंस है और यहाँ पे AA के बीच ये डिस्टेंस है, बस यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्पेशियल डिस्टेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब GI वो शो करेगा, तो इसलिए MA2B2 के दो ही GI हो सकते हैं, ये ट्रांस कहलाएंगे, राइट, क्योंकि एंटी पोजिशन पे और ये पास में है तो सिस कहलाएंगे। वैसे ही अगर चारों डिफरेंट लिगेंड अगर मैं कर दूं MABCD तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, आपको ए को फिक्स करो तो ए के सामने एक बार बी लाया, फिर ए को फिक्स किया हुआ है, ए के सामने सी लाया, फिर ए को फिक्स किया हुआ है, ए के सामने एक बार डी लाया, यही तीन पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इसमें GI कितने हो जाएंगे, तीन। इसमें बाय द वे हम सिस ट्रांस की बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन कोई नहीं है।
एम ए टू और इसको बी सी कर दूँ तो भी वही बात रह जाएगी, क्योंकि एक इंटरचेंज करोगे राइट तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी जी आई कितने रहेंगे दो। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और किसी बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती, बस इतना ही है। नेक्स्ट अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर वन में आपको चार ऑप्शन गिवेन है विच कैन शो जी आई। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे निकेल है, वीक फिल लिगेंड है राइट, और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें जीआई पॉसिबल ही नहीं होगा। ये नहीं कि ma2b2 लगा दिया, बेटा पहले चेक करना है ये टेट्राहेड्रल तो नहीं है। यहाँ पे nico4, ये वैसे भी ma4 है, तो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो स्क्वायर प्लेनर हो दोनों ही केस में नहीं होगा। बाय द वे अगेन ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे PT, तो यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील होते हैं बता रखा हूँ, और DSP2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और ये वही है MA2B2 टाइप है, तो यस ये GI शो करेंगे। और यहाँ पे फिर से ये कैसा हो गया MA3B, तो ये नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से स्पेशल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर मान लो आपने ऐसा एक बनाया कि यहाँ पे सर मैं बी को इधर कर दूँ ए को, तो अभी देखो ए का डिस्टेंस यही है, अभी भी ए का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें जी आई पॉसिबल नहीं। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ये जो है PT NH3, तो दो NH3 आप एंटी पे रख सकते हो डेट इज ट्रांस, और एक बार दोनों NH3 को आप क्लोज पोजिशन पर रख सकते हो डेट इज सिस। तो ये जो सिस प्लेटिन है, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान देना राइट, इम्पोर्टेंट है ये। तो सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे समझ में आता है कि सिस प्लेटिन ही वर्क करता है, एंटी वाला नहीं करता है। इसीलिए ध्यान से देखो इसको और कैसे अप्लीकेशन ले सकता है, सिस प्लेटिन जो है वो EN2 से रिएक्ट कर सकता है इथिलीन डायमिन से, क्यों? क्योंकि जो लिगेंड अटैच होते हैं वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे दोनों सीएल क्लोज में है तो वो निकल करके EN लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सीएल कहाँ हैं एंटी पे, तो कभी भी 180 पे बाइडेंटेड लिगेंड नहीं लगते हैं। तो इसलिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या ट्रांस प्लेटिन रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमिन से EN से, नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि दोनों सीएल एंटी पोजिशन पे है तो रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन सिस वाले कर सकते हैं, तो ऐसे भी अप्लीकेशन ले सकते हैं, एक कदम आगे आपको सोच के रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर टू में नंबर ऑफ आइसोमर, अब आइसोमर बोल दिया मतलब ज्योमेट्रिकल भी थिंक करना है आपको, ऑप्टिकल भी। बाय द वे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, कैसे? बाइडेंटेड लिगेंड 2 और मोनोडेंटेट है तो 2+2 = 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, PT हो गया, EN मतलब आपका इस टाइप से दिखा लो आप, ये नाइट्रोजन डोनर होंगे, इधर CH2 होगा उसको ऐसे, तो ये नाइट्रोजन डोनर होंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों क्या लगता है, सब नाइट्रोजन डोनर है तो सेम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, ये बाइडेंटेट है ये अलग है, ये मोनोडेंटेट है अलग है, भले ही नाइट्रोजन डोनर है बट ये अलग है और वो अलग है, क्यों? क्योंकि ये रिंग वाले हैं और वो विदाउट रिंग वाले हैं, तो एक तो ये बनेगा। चूँकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, इधर वाले तो सेम ही रहेंगे, इधर में मैं ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ एक बार, और एक बार नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया राइट। और एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो इधर तो सेम ही रहेगा आपका एन, क्योंकि ऑलवेज बाइडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना, 180 पे मत कर देना। और यहाँ पे देखो दोनों नाइट्रोजन डोनर था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ मैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में यही फायदा है। तो यहाँ पे टोटल आइसोमर ध्यान से देखो कितने हो गए 3, तो इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे राइट। तो यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में XYZ एक्सिस तीनों डायरेक्शन में आपके लिगेंड होते हैं, तो अगर मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन बोर्ड पे दिखा है, लेकिन यू नो कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है राइट। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिगेंड है। नाउ GI में आपको कैसे सोचना है, क्योंकि यू नो इसमें ट्रांसपोजिशन कम है, तीन ही है राइट, ये एक ट्रांसपोजिशन है, एक ये ट्रांसपोजिशन है और एक ये ट्रांसपोजिशन,
एक्स वाई जेड एक्सिस वाले ट्रांसपोजिशन है, तो ट्रांस का मैं शीर्ष बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑलवेज आपको जब जी आई ड्रॉ करना हो तो ट्रांसपोजिशन से सोचना है, शीर्ष ट्रांसपोजिशन आर लेस, इसलिए वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू ट्रांस बाई पुटिंग सेम लिगेंड ऑन ट्रांसपोजिशन। डैट मीन्स ट्रांस पे सेम लिगेंड को रखा, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे रखेंगे। डैट मीन्स ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का सिस्टम इसमें हम अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है ओ आई में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, और वो दिक्कत एकदम ख़त्म रफ़ी सर के ट्रिक से। ध्यान से देखो, ओ आई के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ जी आई जो यहाँ से आप कर लोगे, राइट, टेंशन ख़त्म। उसके बाद वो जी आई ओ आई शो करेगा कि नहीं, उसके लिए सिंपल तीन पॉइंट है बेटा, सिर्फ तीन पॉइंट, इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। पहला पॉइंट की ट्रांसपोजिशन पे चेक करो, सेम लिगेंड तो नहीं आ रहे मोनोडेंटेड वाले, ए के सामने ए, राइट। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, ट्रांसपोजिशन पे ए ए आ गया, तो पक्का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। इधर ये चार लिगेंड कौन है क्या है उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम मिल गए मोनोडेंटेड वाले, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आँख बंद करके बताना। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ यहाँ भी हो ट्रांसपोजिशन पे ए ए तो भी, या यहाँ हो तो, राइट। किसी भी तीन ट्रांसपोजिशन में से किसी भी एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से सुनना और लिख लेना। पॉइंट नंबर टू, अगेन दो ट्रांसपोजिशन पे ए बी टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स जैसे इस केस में मान लो ये ट्रांसपोजिशन ए बी, ए किया या फिर यहाँ पे ए और बी ऐसा आ रहा है, ए बी दो बार अगर आ रहे हैं दोनों ट्रांसपोजिशन पे, तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी क्या है सोचना ही नहीं है, राइट। तीसरा पॉइंट, अगर दो रिंग बन रहे हैं, डेट इज बाइडेंटल लिगेंड, दो रिंग है और वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक रिंग, ये बोर्ड के प्लेन में, और ये ऐसा मत मानना बेटा, आपको मालूम है ये वाला जो है वो कैसे ऐसे है, तो ये रिंग कैसे ऐसे है, तो ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, तो दो रिंग अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान देना, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर दो रिंग एक ही प्लेन में है तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी इनएक्टिव भी, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें POS या COS है कि नहीं, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी भी रिंग को अटैच करना हो तो ऑलवेज 90 डिग्री पर अटैच करना है। 90 डिग्री का क्या मतलब है वो भी यहाँ पे समझो, जैसे ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री में, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ये सब ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे 90 है बेटा, ये बॉन्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे है, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ अटैच है, तो यू नो ये 90 डिग्री है, तो ये भी करेक्ट है अटैच करने का तरीका, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला अब रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस पे 180 पे आपने कर दिया है, ये वाले ऐसे हैं तो 180 पे आप नहीं कर सकते, तो ये अटैच करने का तरीका रॉन्ग है, कभी भी नहीं कर सकते। वैसे ही ये वाले भी ट्रांस हो गए, ध्यान से देखो 180 पे, तो ये भी गलत तरीका है, तो ऑलवेज रिंग को 90 डिग्री पे अटैच करना है। इसीलिए जब दो मोनोडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस करोगे कि एक बाइडेंटेड को, तो वो दोनों मोनोडेंटेड शीर्ष पे होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा, 180 पे होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सिस प्लेटिन आपका ये करेगा इथिलीन डायमिन से, लेकिन ट्रांस प्लेटिन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको जितना टाइप मैं अभी बता रहा हूँ बस उतना ही टाइप ध्यान रखना, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन इन्हीं टाइप में से आएगा, क्योंकि मैंने पूरे 20 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इससे बाहर कुछ नहीं गया, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो। MA6 अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और सेम हो तो कभी भी GI शो नहीं होगा, नहीं OI, अगर 5 सेम हो और एक डिफरेंट हो तो भी नहीं होगा GI और OI, राइट, ये सबको मालूम होता है। अगर 4 सेम हो और 2 अलग टाइप के सेम हो, MA4B2 टाइप हो, तो यहाँ पे होगा, और जो कम है उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो B को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सिस पे ले सकता हूँ क्लोज पोजिशन पे, और एक बार मैं ट्रांस पे ले सकता हूँ, इसलिए इसमें GI पूछेगा तो 2। OI चेक करने का आपको ट्रिक दे रखा हूँ, ध्यान से देखो, A के सामने A आ गया ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे A के सामने A आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, सोचना ही नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर में GI प्लस OI तो वो भी 2 हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाएगा, MA3B3, दैट मीन्स 3 मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं और 3 मोनोडेंटेट वो भी एक टाइप के हैं, बट ये दोनों डिफरेंट हैं,
तो इस टाइप में भी कैसे सोचना है, वही सेम तीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार ये तीनों को एक प्लेन में रखूँ। तो ध्यान से देखो, ये तीनों एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, और एक बार क्या करूँ कि ये तीन में दो को एक प्लेन में रखूँ और एक को प्लेन के बाहर, ऐसे, राइट, ये बाहर वाला है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं फेसियल, फैक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा पॉइंट ध्यान रखना पूछा गया है, जिसमें दो एक प्लेन में है सेम वाले और एक आउट ऑफ प्लेन है, तो इसको बोलते हैं फेसियल। मैरीडोनल एक बोलते हैं, मर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे, तीनों एक ही प्लेन में, तो कट कर देंगे, मार देंगे, मर वर्ड से एक ही प्लेन में होंगे तो तीनों मर जाएंगे, तो मर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो दिख रहा है दो हो जाएगा, ऑप्टिकल चेक करना बहुत ईजी, ध्यान से देखो कि आपको ए बी कॉम्बिनेशन आ गया तो गया, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहाँ पे बी के सामने बी आ गया, ट्रांस पे एक ही आना चाहिए बस, ये भी गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर जीरो, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, दो। तो मोनोडेंटेड में बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है, एम ए सिक्स नहीं शो करेगा, एम ए फाइव भी नहीं करेगा, एम ए फोर बी टू जी आई दो होंगे, और एम ए थ्री बी थ्री, मैरीडोनल और फेसियल, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, 99.9% इससे बाहर नहीं जाएगा। बाइडेंटेड में एम ए ए थ्री वाला ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे बाइडेंटल लिगेंड है, तो ध्यान से देखो, तीन रिंग सब 90 डिग्री पर अटैच करना है, तो ध्यान से देखो, ये रिंग और ये रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई, ट्रिक का वो पॉइंट लग गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट, क्योंकि काइरल हो गया एक तरीके से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, तो ज्योमेट्रिकल तो शो ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सारे लिगेंड या डोनर आइटम सेम है इसमें, राइट, तो जी आई नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जी आई शो नहीं करे, ओ आई शो करे, और ऐसा भी हो सकता है कि जी आई शो करे लेकिन ओ आई शो नहीं करे, इसलिए ये सब पॉइंट स्टेटमेंट वाले पे भी ध्यान रखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो जाएंगे, एक ये खुद, एक इसका मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और स्टीरियो आइसोमर अगेन पूछेगा तो दो, तो ये एक ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही मिलेंगे आपको। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाले मिलेंगे, दो बाइडेंटल लिगेंड और दो मोनोडेंटेट, एम ए ए टू और ए टू। तो यहाँ पे आप कैसे थिंक करेंगे, वेरी सिंपल, मोनोडेंटेट को एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपोजिशन पे रख सकता हूँ, तो जैसे ही आपने ट्रांस पे रखा तो दोनों रिंग आपका एक ही प्लेन में आ जाएगा, राइट, और ए के सामने ए आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने का तो झंझट ही खत्म कर दिया उस ट्रिक से, तो इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अकायरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। जी आई पूछे इसका, तो दो हो सकता है, एक बार ए ए को मैंने कहाँ रखा, ट्रांस पे, और एक बार ए ए को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, सिस पे, राइट, तो ये ट्रांस वाले हो गए, ये कौन सा आपका ट्रांस है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जी आई दो हो जाएंगे, राइट, ध्यान दो, ये जो सीस वाला है ये अब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे दो रिंग ध्यान से देखो परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, दे रखा हो आपको ट्रिक, दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये और इसका मिरर इमेज, इसलिए ये काइरल होंगे ये दोनों, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो होंगे। अब स्टीरियो आइसोमर दो प्लस दो चार मत कर देना, यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम लिया है, दो प्लस दो चार नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये है और ये है, राइट, और ऑप्टिकल में ये है और ये है, राइट, तो आप क्या करो, दो प्लस दो चार में मतलब एक को दो बार काउंट कर रहे हो, हमको एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए जी आई ये वाला एक है, ये ओ आई नहीं है, तो ये एक काउंट होगा, ये जी आई है और ओ आई भी है, तो दोनों में से कोई एक काउंट करो, राइट, तो इसलिए जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल भी शो करे तो ऑप्टिकल वाला ही ऐड कर लो, ज्योमेट्रिकल मत काउंट करो क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो गया आपका, राइट, ये दो और ये एक वन, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर तीन बताना, ध्यान देना चार मत कर देना, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल को दो बार काउंट कर लो, इसीलिए। नाउ एम ए ए टू ए बी, डैट मीन्स इस दोनों मोनोडेंटेड की जगह दो डिफरेंट अगर मोनोडेंटेड कर दूं तो भी सेम ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पोजीशन ही उतनी है, तो इसलिए इसमें भी आपका जी आई दो होगा, ओ आई दो होगा और एस आई तीन ही होगा। तो बेटा जितना इतना बताया ना बस इतना ही ध्यान में रखना है, और आप देख सकते हो आपके लिए ओ आई चेक करना तो बहुत ईजी है, वो जो तीन पॉइंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। जी आई ड्रॉ करने में भी आपको पॉइंट समझाया है कि आप ट्रांसपोजिशन को ब्लॉक कर करके सोचो तो आपको ईजिली बन जाएगा। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर वन की टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो यहाँ पे बच्चे कैसे सोचते हैं, एम ए टू बी टू, इसलिए जी आई कितने हो जाएंगे, दो, और ऑप्शन वन टिक करके आ जाते हैं जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ध्यान क्या नहीं देते हैं कि ये जो है वो एम्बीडेंट लिगुएंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से एक बार दोनों कार्बन डोनर हो सकता है,
एक बार दोनों नाइट्रोजन डोनर हो सकता है और एक बार कार्बन होगा तो नाइट्रोजन, या यहाँ नाइट्रोजन होगा तो कार्बन। तो इसलिए एक्चुअल में ध्यान से देखो, पॉसिबल पूछा है तो आपको फिर कैसे थिंक करना पड़ेगा, एम मान लेते हैं अमोनिया का ए टू, तो ये वाला अगर दोनों कार्बन हुआ तो बी टू ऐसा मानो, फिर एम ए टू दोनों नाइट्रोजन हुआ तो आप डिफरेंट डोनर है तो सी टू, और फिर अगर ये वाले कैसे हैं तो एम ए टू और इसका मान लो कि डी तो दूसरा ई, तो ऐसा है। तो यहाँ से भी दो होते हैं ये आपको मालूम है, यहाँ से भी दो ही होंगे ये आपको बता रखा हूँ, और यहाँ से भी दो ही होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, छः। इसलिए ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में, अगर एम ए बी सी डी ई एफ डैट मीन्स छः के छः मोनोडेंटेट है और सारे डिफरेंट है तो कितने आइसोमर होंगे, तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, वही सेम कि आप यू नो कि आपका हेक्साडेंटेट है राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, तो एक बार ए को फिक्स करो। अब ए के सामने आप क्या क्या ला सकते हो, बी ला सकते हो, सी डी ई एफ, तो कितने हो गए, पाँच। वैसे ही एक बार बी को फिक्स करते तो उसके सामने क्या ला सकते थे, सी डी ई एफ, क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है राइट। वैसे ही सी को अगर फिक्स करते तो उसके सामने कौन आता, डी ई एफ। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पाँच, यहाँ चार, यहाँ तीन राइट, उसके बाद मैं सी के बाद डी को अगर फिक्स करता उसके सामने ई एफ, तो दो, और ई को करता तो उसके सामने एफ, तो वन। तो कितने हो गए टोटल, ध्यान से देखो, फाइव फोर नाइन थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन और वन फिफ्टीन, तो फिफ्टीन तो जी आई हैं, और चूंकि छः के छः लिगेंड डिफरेंट है तो इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता, तो ये सारे जी आई ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 15 का डबल, क्यों, क्योंकि वो खुद होंगे उसका मिरर इमेज, तो ओ आई टोटल बोलेगा तो 30, जी आई बोला तो 15, तो SI ऐसा मत कर देना 45, अभी बताया, क्योंकि ओ आई में वो जी आई ऑलरेडी काउंटेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, बी। एंड लास्ट, अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एम ए बी टू ए टू, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट डोनर है ये ध्यान देना, और उसके नंबर टू हैं, और ये मोनोडेंटेड है इसके भी नंबर टू हैं, जी आई ओ आई ऐसा ये पूछा है। तो देखो बेटा सोचना कैसे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ सोचना कैसे है, तो सोचना यहाँ से, ये देखो मोनोडेंटेड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो क्विकली आप क्या करो, ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले हेक्साडेंटेड वाले, तो आप ड्रॉ कर लो, चाहे एक्स्ट्रा में चाहो तो ड्रॉ कर लो, डैट डजेंट मैटर, आप ड्रॉ कर करके रख लो राइट, इस टाइप से आप ड्रॉ कर करके रख लो, ये मैंने कर लिया। नाउ अब मैं कैसे थिंक कर रहा हूँ, मैं ए को अगर ट्रांस पे रख दूँ एक बार, तो अब मेरे पास ए बी, अब ए बी ऑलवेज 90 पे आएगा, तो ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे केस में क्या हुआ कि ए के सामने बी आया, सेम यही स्ट्रक्चर रख करके, डैट मीन्स ए के सामने ए, मैं यहाँ पे ए के सामने ए ला सकता हूँ, और वो कैसे, ध्यान से देखो, इस वाले को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये एक डिफरेंट हो गया। तो ये मैंने कैसे सोचा, ट्रांस पे ए को मोनोडेंटेड लिगेंड को रख करके, ये दो पॉसिबिलिटी, उसके बाद अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है राइट। अब फिर हमें ए को कहाँ पर रखना पड़ेगा, सिस पे, तो ए को सिस पे रख दो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो ए के सामने ए ला सकते हो, तो यहाँ बी भी रखो और ऐसे कनेक्ट करो 90 पे, एक ये हो सकता है। वैसे ही ये तो अभी वहीं पे रखना है, ए के सामने ए लाया, बी के सामने मैं बी ला सकता था, तो अगर ऐसे आपने लिखा तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले ए को सीस पे रखो, ए के सामने ए आया, बी के सामने बी, ए के सामने मैं बी ला सकता हूँ, तो यहाँ ए, यहाँ बी, और ये। अब इसके अलावा और आप नहीं थिंक कर सकते, ना ही बनेगा, आप देख लो तो सेम ही होगा। तो अब हमसे पूछा गया जी आई, तो जी आई हमने पहले ड्रॉ कर दिया, यही मैं बताना भी चाह रहा था ट्रिक में, तो जी आई कितना हो गया मेरा, पाँच। अब अगर ओ आई चेक करना तो आपको डरना ही नहीं है, कैसे, वेरी सिंपल, इसमें ए के सामने ए तो ओ आई शो नहीं करेगा, ए के सामने ए ओ आई शो नहीं करेगा, क्योंकि बोला था ट्रांस पे अगर सेम लिगेंड आ गया तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया, सोचना ही नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में, ऑप्टिकली एक्टिव। दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में, ऑप्टिकली एक्टिव। तो तीन ऐसे हैं जी आई वाले, ये तीनों जी आई के पार्ट है राइट, क्योंकि टोटल जी आई पाँच, तो ये तीन जी आई वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो सिक्स राइट, ज्योमेट्रिकल तो फाइव हो गया, तो ये सिक्स, और स्टीरियो 11 मत कर देना,
क्यों? क्योंकि ये तीन जी आई फिर से आपने काउंट कर लिया, क्योंकि ये तीन जी आई ही ओ आई शो कर रहे हैं, तो ये तीन जी आई ओ आई शो कर रहे हैं, तो टोटल सिक्स इन तीनों से प्लस ये दो, तो कितने हो गए? एट। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करना है, तो जी आई वो वाले जो ओ आई शो नहीं कर रहा हो तो वो लेना है, प्लस वो जी आई जो ओ आई शो कर रहा हो, अगर कोई जी आई ओ आई भी शो कर रहा है तो फिर इसका ओ आई का जितना जी आई शो कर रहा होगा उसका डबल कर देना है, तो सिर्फ बस इतना लेना और प्लस ये करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, क्या हमने टोटल जी आई हमारे पास 5 है, उसमें से दो जी आई ओ आई शो नहीं कर रहे तो उसको काउंट किया, ये दो मैंने काउंट किया, और ये तीन जी आई को फिर काउंट नहीं करना है, इसको ऑप्टिकल आइसोमर में ले लिया वो 6, तो 6 और प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो ये आपका कंप्लीट हुआ।